रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता श्री गणेश का 10 दिनी उत्सव शहर भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह पांडालों में श्री गणेश विराजमान है। अष्ट सिद्धि के दाता श्री गणेश को अलग अलग नामों से जगह जगह पांडालों में विराजमान किया गया है। इन्हीं में से एक नाम कड़ाबीन के राजा का भी है, जो पूरे इंदौर शहर में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। गणेश उत्सव के चलते इन दिनों शहर में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में भगवान गणेश को घरों के साथ साथ पांडालों में विराजमान किया गया है। शहर में अलग अलग नामों से विराजमान भगवान गणेश के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। इंदौर के न्यू नेताजी सुभाष नवयुवक मंडल द्वारा भी भगवान गणेश की विशाल गाय कड़ाबीन के राजा को विराजमान किया गया। प्रतिमा के दर्शन के लिए यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। इसी कड़ी में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय और कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला भी पहुंचे। इस दौरान दोनों विधायकों ने भगवान के दर्शन कर इंदौर में सुख समृद्धि की प्रार्थना की। कड़ाबीन के राजा बड़े गणपति के बड़े उत्सव लगातार हमारे भाई ठाकुर साहब लगातार भाई जी 40 वर्षों से लगातार गणेश जी बिठा रहे हैं। सभी लोग शादी करते हैं, आगे सभी माताएं बहन बुजुर्ग सब लोग यहाँ आरती करते हैं, वहाँ प्रसादी लेते हैं। उन्हें शुभकामनाएं, सभी को अंदर वाली शुभकामनाएं। अब यहाँ आए प्रसादी ले और यहाँ आगे दर्शन करें। मैं MP न्यूज के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और ठाकुर भाई जी शुभम ठाकुर भाई जी और इनकी पूरी मित्र मंडली द्वारा संजय भैया महेश भैया और आनंद शिंदे जी और इन सबके साथ मिलकर जो सुंदर आयोजन होता है, हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद ये लोग बनाते हैं अपने हाथों से। हम लोग खूब इस उत्सव का आनंद ले रहे हैं। मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत। कुल मिलाकर इन दिनों इंदौर शहर में गणेश उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में गणेश भक्त इंदौर के गणेश पांडालों में विराजमान श्री गणेश के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।